हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज का वीकली गेमिंग न्यूज के अंदर हम लोग ढेर सारा गेम्स को वापस से कवर करने वाले, जिसमें आपको वेक्स मोबाइल, सीओटी मोबाइल, वॉरजोन, न्यू स्टेट, बीजीएमआई, वैलोरेंट मोबाइल, सीओसी, माइनक्राफ्ट, इंडस बैटल रॉयल, यूजीडब्ल्यू। तो चलिए एक एक सब गेम को समझने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्स मोबाइल। तो गाइस, आपको मैं कल का वीडियो में बताया था कि भाई 2023 बहुत ज़्यादा बूम होने वाला गेमिंग के लिए, क्योंकि ढेर सारा गेम लॉन्च होने वाला है, ढेर सारा मैप्स जो एग्जिस्टिंग गेम है उसमें आपको न्यू मैप्स देखने को मिलेगा। तो कल का वीडियो में मैं आपको इंडस बैटल रॉयल के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो कि एक इंडियन गेम है और बहुत ही बेहतरीन उसका ग्राफिक्स देखने को लग रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, एनी हाउ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, इवन प्री रजिस्टर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, जब हम लोग इंडियन गेम की बात कर रहे थे, एक और इंडियन गेम है, वो है भाई वेक्स मोबाइल। लिटरली ये जो गेम है ना, ये 3 साल का डेवलपमेंट के बाद अभी ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ चुका है और 2023 में ये बोल सकते हो ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। ये गेम एक तरह का इंस्पिरेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि केवल 2 डेवलपर बोल सकते हैं, इंडियन डेवलपर ने ये गेम को डेवलप किया। लिटरली 3 साल लगा इसको डेवलप होने में। सबसे बेहतरीन बात यह कि ये डेवलपर ने अपना स्टोरी, जो जर्नी ये लोग 3 साल में कवर किया, उसका एक ब्रीफ वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाले। मैं डेफिनेटली आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो देखना, क्योंकि वो वीडियो में आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर आप कोई गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो या कोई भी चीज़ में आप जाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि केवल पहला दिन में सक्सेस नहीं मिलता है, कितना सारा डाउनफॉल होता है। ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आपको मन करेगा कि छोड़ दो, ये सब की चीज़ करने का कोई भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा। तब भी आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपको सक्सेस मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, फिर भी आपने मेहनत किया। तो उसके बारे में एक इंस्पिरेशन आपको स्टोरी देखने को मिलेगा, 2 डेवलपर ने कैसे जर्नी पूरा किया 3 साल में और कैसे कहां से कहां गेम को डेवलप किया। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे तो काफ़ी इंस्पिरेशन लगा वो स्टोरी, खासकर जब आप ग्राइंड करते हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो लिंक आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आप जाओ, गेम का बेसिस में भी उसको जज करना किस हिसाब से वो डेवलप हुआ 3 साल में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड गेम में आते हैं, वो सीओडी वॉरजोन मोबाइल। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीओडी वॉरजोन मोबाइल ने थोड़ा सा बोल सकते शांत माहौल हो गया था, बट वापस से सीओडी वॉरजोन मोबाइल वाले ने अपने इंस्टाग्राम बोल सकते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया और वापस से बोल सकते हाइप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें डेवलपर टॉक्स का भी एक वीडियो डाला गया है इंस्टाग्राम में, कुछ लोकेशन मैप्स का भी बोल सकते टीज करना स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है, जब भी गेम लॉन्च होता है या कुछ भी चीज़ का हाइप बनाना रहता है, तो जो मैप्स यूज़ किया जाता है या जो एसेट्स यूज़ किया जाता है गेम्स के अंदर, उसको टीज किया जाता है सो डेट लोगों को हाइप बने। तो उस टाइप की चीज़ें स्टार्ट हो चुका है सीओडी मोबाइल वॉरजोन में। होपफुली बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारा और भी रीजन में ये गेम और भी ऑप्टिमाइज होते हुए दिखेगा और भी आपको ईजी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड गेम। अभी हम लगा था तीसरा गेम है न्यू स्टेट मोबाइल। तो न्यू स्टेट मोबाइल में भी आपको पता है कि भाई ये जो फेव का अपडेट हो सकता है, मोस्ट प्रॉबली हम लोग का एक हो सकता है न्यू मैप का अपडेट होने वाला, जो कि डेजर्ट थीम का है। इससे रिलेटेड भी कल वाला वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था। न्यू स्टेट का जो ऑफिशियल ग्लोबल पेज है उसमें तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बट न्यू स्टेट का जो कोरियन पेज है उसमें बताया गया कि हम लोग बहुत ही जल्दी और भी इसका हिंट्स डालने वाले। सो आप ऑफिशियल चैनल को फॉलो करके रखिए और भी आपको इन्फॉर्मेशन न्यू मैप, जो डेजर्ट मैप या मीरामार का जो नेक्स्ट वर्जन आप बोल सकते हो, वो देखने को मिलेगा। और इसमें आपको बहुत सारा न्यू चीज़, जो एडवांस वर्जन होता है डेजर्ट मैप का, वो आपको ये वाला बोल सकते हो न्यू स्टेट का मैप में देखने को मिल जाएगा। फिंगर क्रॉस, होपफुली वो मैप बहुत ही ज़्यादा बूम हो, क्योंकि डेजर्ट वाला मैप में होप करता हूं जो स्पॉटिंग प्रॉब्लम बहुत बंदे को होता है ना, वो एटलीस्ट फिक्स हो सकता है, क्योंकि ग्रास में ब्लेंड हो जाता है। तो डेजर्ट में माइट भी आपको प्लेयर जो है वो सही से दिख जाए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये मैप के लिए। अभी हम लोग चौथा गेम, वो आप लोग सबका फेवरेट बीजीएमआई। तो बीजीएमआई के रिसेंटली आपको पता है सर्वर डाउन हुआ, तो उसका मैं रीजन वीडियो में बताया था किस लिए हुआ था, बट ये जो सर्वर डाउन होने के बाद बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, अभी तक फिक्स नहीं हुआ। ये बोल सकते हो सर्वर डाउन होने के बाद अलग अलग और भी प्रॉब्लम हो गया बीजीएमआई के अंदर, लाइक बीजीएमआई खेलते खेलते आपका पिंग अचानक से फ्लक्चुएट करता है, उसके साथ साथ सामान उठाते उठाते आपका जो फ्रेम है ना वो कट होता है। मान लो फ्रेम्स होता है 1, 2, 3, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 1 फ्रेम में आप हो, 2 फ्रेम आने का जगह 2 स्किप होकर 3 में चल जा रहा है, तो बीच में एक बहुत ज़्यादा फ्रेम गैप हो जा रहा है, जिसके चलते लोगों को और भी दिक्कत हो रहा है। और ये जो चीज़ ना और बढ़ चुका, पहले भी होता था अब, बट अभी जो ये सर्वर डाउन हुआ था ना, उसके बाद वापस से ये ठीक हुआ, उसके बाद ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब प्रॉब्लम ये है ना, ये सर्वर में मेंटेनेंस चल नहीं रहा, ना ही डेवलपर कुछ काम कर रहे इसके ऊपर, तो इसी चलते आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीजीएमआई में और बीतेगा, अगर कोई भी अपडेट नहीं आता, 0.1 MB का केवल वो अपडेट आता, तो कुछ भी नहीं होने वाला, हैकर्स भी बढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ गेम का जो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो भी गिरने वाला है, क्योंकि भाई रेगुलर बेसिस में सब गेम को एक अपडेट चाहिए होता है सो डैट वो स्मूथली चले। जो जो बग्स आता है, सब गेम में बग्स आता है, सब एप्लीकेशन में बग्स आता है, उसको अपडेट के फॉर्म में फिक्स किया जाता है, पैच दे दे के फिक्स किया जाता है, वो चीज़ बीजीएमआई को मिल नहीं रहा पिछले 6-7 महीने से। ये चलते ये प्रॉब्लम आपको देखने को
मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब झेल के ही खेलना पड़ेगा, अभी कुछ भी और तरीका नहीं है जब तक डेवलपर खुद अपने एंड से ठीक ना करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वैलोरेंट मोबाइल। तो वैलोरेंट मोबाइल का बहुत ही छोटा सा अपडेट है। वैलोरेंट का रिसेंटली जो पीसी वर्जन है उसमें डेवलपर टॉक हुआ था, और उसमें कम्युनिटी टॉक या डेवलपर टॉक इस तरह का कुछ हुआ था। उसमें जो अदर वर्जन है, मतलब पीसी छोड़कर अदर जो वर्जन है, जैसे लाइक कॉन्सोल मोबाइल हो, उसके बारे में बताया गया था कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग जो एक्सपेक्ट किया था डेट उससे ज़्यादा टाइम लग रहा, बट हम लोग आपको फाइनेस्ट प्रोडक्ट देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग टाइम ले रहे हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो वो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं मोबाइल वर्जन के लिए ही बोला जा रहा है, इवन कंसोल वर्जन के लिए अगर आता है तो। और अभी ये एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और ये ऑफिशियली आया है, इसलिए आपको समझ के रखना चाहिए कि इस साल शायद से वैलोरेंट मोबाइल आपको देखने को मिले। 2024 में ज़्यादा चांसेस है कि आपको वैलोरेंट मोबाइल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अभी डेट उठ तो बताया नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म, वो भी नहीं बताया, बट आपको समझना आना चाहिए कि और क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। पीसी छोड़ के कॉन्सोल है, और उसके साथ साथ हो सकते हो मोबाइल वेरियंट, और मोबाइल में ज़्यादा हाइप आपको बना हुआ आपको पता ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं सी ओ सी के अंदर भी लूनर बोल सकते हो बहुत सारा इवेंट अभी जस्ट खत्म होने वाला है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट अपडेट आने वाला है बिल्डर बेस 2.0 के ऊपर ही होने वाला है, और बिल्डर बेस में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा सी ओ सी के अंदर। बिल्डर बेस एक काइंड ऑफ बोरिंग विलेज है, बट लोगों को उसमें इंटरेस्टिंग करने के लिए सी ओ सी लेट्स सी क्या प्लान करता है, और ये अपडेट का मैं डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ सी ओ सी का। लेट्स होप कि कुछ अच्छा कंटेंट हम लोग को बिल्डर बेस में भी देखने को मिल जाए। उसका नेक्स्ट जो गेम है माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट अपडेट। तो माइनक्राफ्ट का नेक्स्ट जो अपडेट होने वाला है वो बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है 1.20। ये अपडेट के बाद नेदरराइट का आर्मर उन्हें बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, माइनक्राफ्ट थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। उसका वैरायटीज ऑफ डिज़ाइन आपके गियर्स में देखने को मिलेगा, लाइक आपका हेलमेट चेस्ट प्लेट पैंट और शूज़ में भी आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा ये अपडेट के बाद, और इसमें यूज़ करने के लिए अलग अलग आपको सामान चाहिए होगा, तो वो आपको ये अपडेट के बाद देखने को मिलेगा, अभी अपडेट आने में टाइम है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडस गेम। तो इंडस का आपको पता है मैं कल एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें कुछ कुछ चीज़ मैं मिस कर दिया था, लाइक कुछ कैरेक्टर का नेम उस टाइम पता नहीं चल रहा था, बट फाइनली उसका वेबसाइट को आप जाकर विजिट कर सकते हो इंडस का, जिसमें जितना भी कैरेक्टर अवेलेबल है सबका नाम आपको देखने को मिलेगा, वेपन यूज़ किया गया वेपन सबका नाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको इंडस के बारे में और भी डिटेल में जानना है बैटल रॉयल के बारे में क्या क्या चीज़ है, एजेंट का नाम क्या है, गन्स जो यूज़ किया उसका नाम क्या है, तो आप वेबसाइट चेकआउट कर लेना, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक चीज़ को जान सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद आखिरी जो गेम है वो UGW। तो UGW का जो एक्सपेक्टेशन था कि 26 का कुछ बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा 26 जनवरी को, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। UGW का बस बोल सकते छोटा सा वीडियो क्लिप डाल दिया गया है रिपब्लिक डे का दिन, और उम्मीद था कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है बट हुआ नहीं। अभी फिंगर क्रॉस करके रखते हैं, अभी तो कुछ रिवील उवील और हुआ नहीं है, हो सकता है कि पूरा सब कुछ रिवील हो चुका है, बहुत ही जल्दी एक और बड़ा अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि 26 को UGW का कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होगा, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। तो ये कुछ गेम्स का न्यूज़ था वीकली गेमिंग न्यूज़ के अंदर। तो चलो आज का मेरा काम इतना ही है, अगर आपको इस तरह का न्यूज़ चाहिए उसके साथ न्यू गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इंक्लूडिंग VGMI, तो डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।